उपरवास में भारे वरसाद ने लीधे बालाराम नदी में पूर की स्थिति बनी छे। बालाराम नदी में पानी ना प्रवाह में वधारो थयो छे, त्यारे नदी कांठे न जवा लोकोने सूचना आपी देवामां आवी छे। मोड़ी रात्रे पड़ेला वरसाद थी बालाराम नदी में पूर की स्थिति उभी थई छे। तो बीटीवी अपने एक्सक्लूसिव दृश्य बालाराम नदी ना बतावी रह्यु छे। गईकाले रात्रे धोधमार वरसाद आ विस्तार में पड़ो, भारे वरसाद और उपरवास में भारे वरसाद थयो, तेना कारणे बालाराम नदी में पुष्कळ पानी की आवक थई रही छे। नदी कांठे न जवा माटे लोकोने स्पष्ट सूचना आपी देवामां आवी छे। तो बनासकांठा में वरसाद और भारे वरसाद ने लीधे बालाराम नदी में पूर की स्थिति निर्माण थयु छे। बालाराम नदी में पानी प्रवाह में वधारो थयो छे, जलस्तर वधी रह्यु छे। नदी कांठे न जवा माटे लोकोने तंत्र द्वारा सूचना पण आपवामां आवी छे। वीटीवी आपने एक्सक्लूसिव दृश्य बालाराम नदीना बतावी रह्यु छे। उपरवास में भारे वरसाद और जिल्ला में सार्वत्रिक वरसाद नोंधायो छे, तेना कारणे बालाराम नदीना जलस्तर में वधारो थयो छे अने प्रवाह तेज थई रह्यो छे। खास करीने बालाराम नदी अने त्यां सहेलाणीओ पण ए फरवा माटे आवता होय छे, त्यारे तंत्र द्वारा अपील करवामां आवी छे अने सूचना पण आपी देवामां आवी छे कि नदी कांठे न जवुं। तो आज मुझे संवाददाता मुगजी फोनलाइन पर जोड़ाई गया छे। मुगजी, बालाराम नदी ना पानी ना प्रवाह में वधारो थयो छे, सतत पानी की आवक थई रही छे, शु स्थिति मुगजी? જે પ્રકારે હવામાન વિભાગ દ્વારા જે આગાહી આપવામાં આવી છે, ત્યારે આગાહીના પગલે ગત રાત્રે મોડી રાત્રે ઉપરવાસમાં જે ભારે વરસાદ થયો હતો અને તેના કારણે જે બાલારામ નદીમાં ફરી એકવાર નવા નીર આવ્યા છે, એટલે કે બાલારામ નદીમાં નીર આવતા આજુબાજુ વિસ્તારના ખેડૂતો મુખોજી છવાય છે। જે પ્રમાણે ઉપરવાસમાં જે રાત્રિ દરમિયાન ભારે વરસાદ થયો છે અને તેના કારણે બાલારામ નદીમાં નવા નીર આવ્યા છે, એટલે કે જે પ્રકારે હવામાન વિભાગ દ્વારા જે આગાહીઓ આપવામાં આવી છે તે આગાહીના પગલે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને તેના કારણે बालाराम नदी में नवा नीर आया है। हजू पे त्रण दिवस की आगाही है, तरह उपरवास में जो भारे वरसाद तो बनास नदी पर जीवन बनी सके। जी जी बिल्कुल मुंगजी, समग्र माहिती साथे जोड़ा बदल आपनो आभार। समय थयो छे ब्रेक।